Assalamu alaikum students, this is Umaima Shukur from the LIMS University. So waves and oscillation के कोर्स में हमने अब तक 12 लेक्चर ले लिए हैं. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है. ये कोर्स हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो कोर्स है बेसिकली ये बीएस फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर और मैथ सेकंड सेमेस्टर के लिए है. तो आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है. काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशंस का. तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे. तो लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं किया था. हमने हाफ डिस्कस किया था, पार्ट वन उसका डिस्कस किया था. तो आज हम उसी का पार्ट टू डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें उस टॉपिक की कवर कर ली थी. हमने डैम्ड हार्मोनिक ओसीलेटर का इंट्रोडक्शन देखा था कि डैम्ड हार्मोनिक ओसीलेटर हमारे पास होता क्या है और किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड इसमें कैसे कम होता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था. इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी. जहाँ पर हमने स्टॉप किया था इक्वेशन नंबर 47 पर हमने स्टॉप किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे. रिमेनिंग और इसका जो पार्ट है, का पार्ट है वो आज उसमें हम कवर देखेंगे करेंगे. कि हमारे पास डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमारे पास होता है इस ऑसिलेशंस की हम एम्पलीट्यूड कैसे काउंट करते हैं, एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे हम आज, और फ्रीक्वेंसी को भी काउंट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे ड्राइव करते हैं डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए. फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो आपने पहले ड्राइव कर चुके हैं डिफरेंट केसेस में वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये भी हम देखेंगे. तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. रिमेनिंग जो पार्ट था हमारा उसे स्टार्ट करते हैं. हम लास्ट टाइम आपको पता है हमने इक्वेशन नंबर 47 पर छोड़ा था. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से कि हमने कैलकुलेशंस में क्या क्या किया था. आपने देखा था कि ए वन प्लस ए टू था आपके पास, जिसको आपने नाम दिया था 2 अल्फ़ा का, और ए वन माइनस ए टू था आपके पास जिसे आपने नाम दिया था 2 iota b का. फिर आपने ये जो वैल्यूज़ थी ये आपने पुट कर दी थी इक्वेशन नंबर 38 में ए वन प्लस ए टू की जगह और ए वन माइनस ए टू की जगह. तो हमारे पास ये इक्वेशन 43 आ गई थी. अब इक्वेशन 43 में हमारे पास यहाँ पर आयोटा स्केयर बन रहा था, मतलब ये आयोटा इस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास. आयोटा स्केयर हमें -1 की वैल्यू प्रोवाइड करता है. तो ये जो नेगेटिव का साइन था ये हमने बाहर ले लिया था, आयोटा स्केयर हमारे पास ख़त्म हो गया था. तो ये इक्वेशन नंबर 44 आ गई थी. अब इक्वेशन नंबर 44 में हमने कुछ और अप्रोक्सीमेशन पुट की थी कि 2a जो हमारे पास है, जो ये वाली वैल्यू है, इस 2a को हम पुट कर देते हैं xm cos φ, और 2b जो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है ये वाली वैल्यू जो है आपके पास 2b, इसे हम पुट कर देते हैं xm sin φ. तो हमने क्या किया था कि 45 और 46 को पुट कर दिया था इस इक्वेशन 44 के अंदर. तो यहाँ से हमारे पास ये जो e^-β t था ये तो बाहर फैक्टर कॉमन ही था हमारे पास, और जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई थी. मतलब 2a की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, cos ω t एज इट इज़ ही आएगा आपके पास, और 2b की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी और sin ω t एज इट इज़. यहाँ पर देखें इक्वेशन 47 में. तो यहाँ तक हमने कर ली थी कैलकुलेशंस. अब हम इससे आगे की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. उसमें हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 47 जो हमने की थी इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो xm का फैक्टर है ये यहाँ पर भी कॉमन है, और यही xm का फैक्टर जो है ये इस टर्म में भी कॉमन है, दोनों में सेम है. तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर. तो इसी इक्वेशन 48 में देखें, ये जो xm था इसे मैंने बाहर ले लिया है, और अंदर आपके पास जो बच गई है टर्म वो एज इट इज़ आ जाएगी. अब इसके ऊपर ये जो टर्म अंदर लिखी हुई है cos φ cos ω t -sin φ sin ω t, ये वाली जो टर्म है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगी जैसे आपके पास cos θ cos φ -sin θ sin φ जो हमारे पास होता है वो cos θ + φ के इक्वल होता है. तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर यूज़ करें तो ये वाली जो पूरी
टर्म है हमारे पास ये बन जाएगी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो इक्वेशन 48 में मैं क्या करूँगी कि ये जो टर्म मेरे पास बन गई थी इसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ इसके अंदर। तो मैंने क्या किया कि ये वाला जो फैक्टर था ये एज इट इज़ कॉमन ही आया मेरे पास e टू पावर माइनस बीटा टी एक्स एम, और अंदर ये जो पूरी टर्म थी मेरे पास इसे मैंने ले लिया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन नंबर 49 आ गई मेरे पास, हमने आइडेंटिटी यूज़ की, आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास पीछे आपने देखा है कि बीटा जो है ये हमारे पास किस वैल्यू के इक्वल है, बी बाय टू एम के इक्वल है। ये पीछे हमने कैलकुलेशन में परफॉर्म की थी कैलकुलेशन जिसमें हमारे पास बीटा जो है बी बाय टू एम के इक्वल आया था। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 50 में हम बीटा की वैल्यू कह रहे हैं इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 49 में पुट कर देते हैं इस फैक्टर की जगह, e टू पावर माइनस बीटा टी है, बीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 50। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सिंप्लीफाई होके हमें मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 50 थी पुट इक्वेशन 50 इन 49, मतलब इस 50 को आप इस 49 में पुट कर दें तो हमें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि x जो है इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टू एम, ये जो b डिवाइडेड बाई टू एम है ये बीटा की वैल्यू है, t एज इट इज ये है हमारे पास। तो मैंने बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, बाकी जो वैल्यू है मेरे पास वो मैंने एज इट इज ही रहने दी है, cos ओमेगा t प्लस फाइव आ गया मेरे पास, ये इक्वेशन 51 आ गई है। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है एम्पलीट्यूड के लिए। अब ये इक्वेशन जो है ये मुझे नहीं बता रही कि एम्पलीट्यूड हमारे पास टाइम टी ज़ीरो के ऊपर कितना होगा, मैक्सिमम टाइम के ऊपर कितना होगा, इन्फिनिटी टाइम के ऊपर कितना होगा। ये इक्वेशन जस्ट जनरल एम्पलीट्यूड के बारे में हमें बता रही है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। अब हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने ड्राइव की, जो इक्वेशन ऑफ मोशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमने पढ़ा हुआ है पीछे, जो आपने पिछली क्लासेस में इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो x है इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, इस तरह की इक्वेशन पढ़ी होगी, मतलब कैपिटल A पढ़ा होगा यहाँ पर, इस फैक्टर की जगह आपने पढ़ा होगा कैपिटल A या कोई भी फैक्टर लिखा हुआ होगा कैपिटल वर्ड में। वो जो कैपिटल लेटर होता है वो बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहा होता है, ये फैक्टर आपको पता है एंगल के बारे में बता रहा है। तो वो जो कैपिटल फैक्टर होता है वो हमें बताता है एम्पलीट्यूड के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस से पहले जो भी हमारे पास फैक्टर है वो उसी कैपिटल लेटर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी बुक्स में बी भी लिखा हुआ होता है, सी भी लिखा हुआ होता है, मोस्टली बुक में ए लिखा हुआ होता है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा ए है, मतलब एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो अब मैंने जब एम्पलीट्यूड, ये तो हमारे पास 51 तो आ गई जनरल इक्वेशन एम्पलीट्यूड की। अगर मैं एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना चाहती हूँ टाइम टी ज़ीरो के ऊपर या टाइम टी इन्फिनिटी के ऊपर, तो मैं क्या करूँगी इसी इक्वेशन को मैं यूज़ करती हूँ। कैसे यूज़ करूँगी, मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो फैक्टर है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से अगर मैंने फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस फैक्टर को ले लेती हूँ, फिर मैं टाइम टी ज़ीरो पुट करके और टाइम मैक्सिमम पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू एक्स एम ई टू पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टू एम, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना फैक्टर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर टाइम ज़ीरो है, मतलब मैं इनिशियल बात कर रही हूँ, वेरी फर्स्ट स्टेज, अगर सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लें तो मैं उस पॉइंट की बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आप बॉब को खींचकर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर ले जाकर छोड़ते हैं, फिर टाइम काउंट करते हैं। तो आपको पता है जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर उसे लेकर जाते हैं तब आपके पास टाइम ज़ीरो होता है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं तो वो जो ऑसिलेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उन्हें काउंट करते हैं तो टाइम ज़्यादा होता जाता है। तो टाइम टी ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एक्सट्रीम पोजीशन को। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने
एम्पलीट्यूड टाइम टी जीरो के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैं इसी इक्वेशन 52 में टाइम टी की जगह जीरो पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ई टू पावर माइनस बी टी, 2m था हमारे पास डिवीजन में, तो टी की जगह मेरे पास आ जाएगा जीरो। तो टाइम जब जीरो हो गया मेरे पास, तो इसका मतलब है जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसकी पूरी पावर जीरो हो गई हमारे पास, ई टू पावर माइनस जीरो आ जाएगा मेरे पास। तो अगर ई टू पावर माइनस जीरो आ जाता है तो ये आएगा मेरे पास वन, मतलब ई टू पावर जीरो आपको पता है हमें वन ही वैल्यू देता है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एम के इक्वल आ जाएगा। एक्स एम क्या है, ये आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आप लेकर जाते हैं और उसे छोड़ते हैं वही मैक्सिमम पॉइंट होता है जहां पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो यही इक्वेशन जो हमने 54 निकाली है, यही इक्वेशन भी यही बता रही है कि अगर टाइम टी जीरो होगा, आपने जो इक्वेशन निकाली है ये वाली, इसी इक्वेशन में पुट करके देख लें एम्पलीट्यूड की जगह, तो आपका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा जब आपके पास टाइम जीरो होगा तब। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जैसे ही हमने टाइम टी जीरो के ऊपर तो देख लिया, अब हम टाइम को ज़्यादा करते हैं, मतलब आपने उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर बॉब को छोड़ दिया है और टाइम को स्टार्ट कर दिया है, स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दिया है, अब आप टाइम देख रहे हैं। तो क्या होगा कि अब हमें पुट करना चाहिए टाइम टी जीरो की जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं पुट कर देती हूँ इन्फिनिटी, टाइम टी इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब आपको पता है जिस तरह टाइम, आपने सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिस तरह टाइम ज़्यादा होता जाता है ओसिलेशन स्लो डाउन होती जाती हैं, मतलब कम होती जाती हैं, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से हो सकती हैं, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो सकती हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब बिल्कुल जो बॉब होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है, वो स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल आपको ऑसिलेशन शो नहीं करता। तो अब क्या होगा कि टाइम टी इन्फिनिटी के ऊपर आपको इसी फैक्टर में 52 में इक्वेशन 52 में आपको टी की जगह इन्फिनिटी पुट करना चाहिए। तो ये मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स एम ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाला जो फैक्टर है, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी का जो फैक्टर है, ये हमें पूरा प्रोवाइड करेगा जीरो वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स हमारे पास जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम डिस्कस कर रहे थे डैम्ड हार्मोनिक ओसिलेटर को, जिसकी डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी कि उसमें हमें डैम्पिंग का फैक्टर मिलता है। डैम्पिंग मतलब कोई चीज़ पहले ज़्यादा है, फिर कम हो रही है, फिर और ज़्यादा कम हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो डेरिवेशन है ये बेसिकली हमें उसी चीज़ के बारे में बता रही है कि इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, इक्वेशन 54 में ये हमने प्रूव किया, लेकिन जब आपने टाइम को ज़्यादा किया, टाइम इन्फिनिटी पर चला गया, जो एम्पलीट्यूड था, जो ओसिलेशंस थी आपके पास, वो स्लो डाउन होना शुरू हो गई। अगर टाइम इन्फिनिटी तक चला गया है तो ओसिलेशंस क्या होंगी, वो स्टॉप हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और हमें क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही हमारे पास 56 में प्रूव आया है कि एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो गया है हमारे पास। जो डैम्ड हार्मोनिक ओसिलेटर का जो हमने डेफिनेशन की थी उसे भी प्रूव कर रहा है कि एम्पलीट्यूड टाइम के ज़्यादा होने से डिक्रीज होता जाएगा डैम्ड हार्मोनिक ओसिलेटर में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यही जो मैंने आपको बताया है, समझाया है अभी, कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड रिड्यूसेस टू द ज़ीरो एज़ द टाइम गोज़ ऑन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास है एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने टाइम लिया हुआ है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, एरो इस तरफ है आपका, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी टाइम की वैल्यू इस तरफ ज़्यादा हो रही है। जैसे टाइम का फैक्टर ज़्यादा हो रहा है आपके पास, ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये इनिशियली ज़्यादा था आपके पास,
टाइम जैसे ज्यादा होना शुरू हुआ, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते 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 आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल जीरो तक चला गया है एम्पलीट्यूड। तो ये देखें यहाँ पर भी मैंने शो किया हुआ है कि एम्पलीट्यूड किस तरीके से कम हो रहा है हमारे पास। तो यही चीज हमने प्रूव भी कर ली है। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आपने इसी कैलकुलेशन में पार्ट वन में प्रूव की है कि ओमेगा हमारे पास होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट में। 58 है हमारे पास इक्वेशन, ये इसी 58 को मैं पुट कर देती हूँ, ओमेगा की वैल्यू है क्योंकि ये, तो मैं इसे पुट कर देती हूँ इस ओमेगा की जगह 57 में। तो मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 58 आई थी मेरे पास, इसे मैंने पुट कर दिया है इस इक्वेशन 57 के अंदर, तो मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर 59। यहाँ पर देखें ये वाला जो फैक्टर है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन में 2 पाई एज इट इज ही आ गया है मेरे पास। अगर मैं इसका स्केयर रूट ख़त्म करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, स्केयर लेना चाहिए दोनों साइड्स पर। तो मैंने इसका स्केयर कर लिया, एफ स्केयर आ गया इज इक्वल टू, ये मैंने सेपरेट करके अब लिख दिया है इधर, ओमेगा नॉट स्केयर डिवीजन में 2 पाई होल स्केयर माइनस बीटा स्केयर डिवीजन में 2 पाई होल स्केयर। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 60 को, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट स्केयर 2 पाई होल स्केयर है मेरे पास, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्केयर, और इसी तरीके से माइनस बीटा स्क्वायर और डिवीजन में 4 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 61 आ गई। जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो आपने पीछे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था उसमें आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्रूव की थी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो आपकी इस वैल्यू के इक्वल आई थी, ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर, या एफ नॉट इज इक्वल टू, और ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये वाला फैक्टर स्क्वायर रूट में था। मतलब दो तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ स्केयर नहीं लगाना तो ये वाला फैक्टर स्केयर रूट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपने पिछली जो कैलकुलेशंस की हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस भी की हैं उसमें आपने प्रूव की थी। बीटा हमारे पास क्या है, बी बाय 2m के इक्वल है, तो अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो ये बन जाएगा बी स्केयर डिवीजन में 4m स्केयर। 64 और 62 इक्वेशंस जो हमारे पास आई हैं इन्हें हम पुट कर देते हैं 61 के अंदर। तो 61 में जब मैंने पुट किया तो यहाँ पर देखिए एफ स्केयर आ जाएगा एफ नॉट स्केयर, एफ नॉट स्केयर यही है, ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी एफ नॉट स्केयर। तो मैंने अब एफ नॉट स्केयर इसको पुट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये आ गया मेरे पास एफ नॉट स्केयर माइनस बी स्केयर डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 16 पाई स्केयर एम स्केयर, क्योंकि उसका होल का स्केयर था तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन 65 है ये हमें प्रोवाइड कर रही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है एफ नॉट स्क्वायर, ये हमने प्रूव की थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो डैम्पिंग का फैक्टर वहां पर शो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 65 में ये वाला जो फैक्टर है एफ नॉट स्क्वायर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जबकि ये वाला जो फैक्टर है एफ स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट की है फ्रीक्वेंसी किसकी, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब यहाँ से एफ नॉट स्क्वायर मैंने मेंशन भी कर दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में से ये वाला फैक्टर माइनस हो रहा है, फिर आपको वैल्यू मिल रही है ये वाली, मतलब डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली। क्या मतलब हुआ इस बात कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमने कहा एफ नॉट स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, एफ स्क्वायर हमारे पास डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, और इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में से ये फैक्टर माइनस होके हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 65 शो कर रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वो हमारे पास कम है किससे, हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से। क्यों, क्योंकि आपने इक्वेशन में प्रूव किया कि हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में से कुछ फैक्टर माइनस होके हमें प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी जो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कम है
हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कम होती है, और जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसका एक पोर्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा, हमने एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया, उसका मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस किया टाइम टी ज़ीरो पर, टाइम टी इन्फिनिटी पर हमने डिस्कस किया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की है उसकी। तो अब जो इसका सेकंड पोर्शन है इसी टॉपिक का, उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे, इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।